अब क्यों रिएक्ट करते हो? अभी भी देखो केजीएलडी बीजेएलडी के लोग, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं। पुलिस जो है सियासत का एक पार्ट है बस। मेजॉरिटी के लोग जो है बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो लोग नफरत फैला रहे हैं लगातार, उनका सिलसिला अभी जारी है, क्या कहेंगे सर? देखिए क्या है ना कि कोई और एजेंडा डाल रहा है, उस एजेंडा पर हम लोग बात किए जा रहे हैं। हम लोगों को सब उन सब एजेंडा पर गौर करने की ज़रूरत है। जब आपको अपने पास कुछ बोलने के लिए नहीं है, तो अगर आप फिरका परस्ती बातें सामने रखने के बाद में हम सब उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनके जाल में फंस रहे हैं। इतने सालों के बाद में किसी को किसी तरह की सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम, सबको जो हक दिया गया है, अपने देश से अपने मुल्क से मोहब्बत कीजिए, मुल्क के वास्ते काम कीजिए और अपने परिवार से प्रेम कीजिए और अपना काम कीजिए। किसी को कोई सफाई देने की ज़रूरत नहीं है या तो आंसर करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई और एजेंडा सेट करता है, उस एजेंडा के बारे में हम लोग बैठ के बात करते हैं और हम अपना एजेंडा सेट करेंगे। काम की बात करेंगे हम सर, आप अमन की बात करेंगे हम और भाईचारे की बात करेंगे। इसके बारे में बात करने के लिए कोई आगे आ सकता है तो कीजिए। अगर वो इस तरह का एजेंडा रखते हैं और हम उसके बारे में अगर बातें करना शुरू कर दें, तो इसका मतलब कि हम उस जाल में आके फंस चुके हैं करके। सर आप भी लंबे समय तक पुलिस में थे, काफ़ी बड़े अहदों में रहे, क्या इन नफरत फैलाने वालों पर जो है पुलिस कहीं ना कहीं एक ढील दे रही है, इस वजह से इतना सब कुछ? ये नफरत फैलाना वगैरह वगैरह जो है हुकूमत और सियासत से ये सब शुरू होती है सर। ये पुलिस जो है सियासत का एक पार्ट है बस। जैसे आप इसका इस्तेमाल करते हैं वैसे चलता है। इसका अच्छा इस्तेमाल भी हो सकता है, इसका बुरा इस्तेमाल। कोविड के दौरान आपने देखा है पुलिस डिपार्टमेंट का काम कैसा था, अच्छा इस्तेमाल हुआ। अब ऐसे समय में अगर इसका बुरा इस्तेमाल हो रहा है तो ये बहुत खेद की बात है। तो सर हुबली इंसिडेंट के बारे में क्या कहना चाहिए? मैं तो एक ऐसा चीज़ आपको कहूँगा कि शायद आपको शायद उससे अच्छा नहीं लगे। क्या ना कि हमारे मतलब माइनॉरिटी के लोग जो हैं बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावे में नंबर वन, बहकावे में नहीं आना चाहिए। बहकावे का कीमत जो है बहुत क्या कहते हैं, बहुत दर्दनाक कीमत है इससे, नंबर वन। नंबर टू, किसी भी शख्स को ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि इस्लाम खतरे में। इस्लाम जो है अच्छी तरह से पूरे दुनिया में अच्छी तरह से गढ़ चुका है। छोटी छोटी बातों में कि इस्लाम खतरे में है और मैं इस्लाम के वास्ते जंग कर निकला हूँ करके, आप अपना काम करो, इस्लाम आपकी रखवाली करेगा। और मैं जो तीन चार जो इंसिडेंट्स हुए हैं कर्नाटक में, सब मैं देख रहा हूँ कि आपको सोशल मीडिया के ज़रिए निकल रहा है। क्योंकि सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जिसके कि आप अनजान बनकर कुछ ना कुछ लिख दो और लोग उस पर रिएक्ट करना शुरू करते हैं। अब क्यों रिएक्ट करते हो? अभी भी देखो केजीएलडी बीजेएलडी के लोग, कुछ लोग अभी भी जेल में हैं, उनके ऊपर में बहुत भारी सेक्शंस लगे हुए हैं, यूएपीए सेक्शन वगैरह लगे हुए हैं। हुबली में भी हुआ, बेलगाम में हुआ, कोलार में हुआ। आपको बहकावे में आने की ज़रूरत नहीं है। क्यों बहकावे में? अब जितना बहको वो तो चाहते हैं कि आप बहकावे में आओ। उससे क्या होता है कि बाकी जिनको मुसलमानों से कोई मतलब भी नहीं है, उनके बीच में एक ऐसा फीलिंग होता है कि चलो मुसलमान देखो क्या कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, क्या गलत काम कर रहा है, आग लगा रहा है, पुलिस स्टेशन के अंदर घुस रहा है और तोड़फोड़ कर रहा है। वो तो चाहते हैं कि आप इस काम करो और आप जाल में आ गए। वो जो चाह रहे वैसे ही हो रहा है। अगर आप सब्र नहीं बनाओगे, अगर आप ठंडे दिमाग से नहीं सोचोगे जो क्या हो रहा है, बहुत से ऐसे चीज़ जो है कि आप साइलेंस में भी, साइलेंस इज़ ऑल्सो वेरी पावरफुल। अभी आप अपना काम करो, यू विल बी मच मोर स्ट्रॉन्ग एंड मच मोर पावरफुल